गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खोजिला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया था मैंने, आज अपन लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। तो कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले बच्चे जितने भी 8th क्लास वाले हैं वो अपनी नोटबुक को बाहर निकाल लें। नोटबुक बाहर निकाल के आपको जो आज का पेज है उसके सबसे ऊपर लिख रहे हैं CW, फिर आज की डेट, हेडिंग्स और एक्सरसाइज लिख देना आप 1.2, ठीक है। कल मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चन और आपको एक दिया था कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, यानी 2 से छोटे रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब इससे छोटे आपको लिखना है। देखो 2 से तो अगर आप ये 2 है आपके पास, ठीक है, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो 2 से सारे बड़े मिलेंगे आपको। अगर आप उस तरफ जाओगे तो 2 से बड़े मिलेंगे सारे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो सारे 2 से बड़े होंगे। अब आपको छोटे लाने हैं -1, -2, -3, ठीक है। तो आप 2 से छोटे लिखने हैं कितने 5, तो ले लो आप 1, 0, -1, -2, -3, हो गए 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, 0, -1, -2, -3, ये सारे क्या है 2 से छोटे हैं। कैसे हैं 2 से, सारे ये 2 से छोटे हैं। तो आप चलते हैं अपने जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये सभी ने कर लिया होगा, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं आज। अब जो हमारे रेशनल नंबर के बीच में एक आपको बताता हूं चीज, जैसे रेशनल नंबर होते हैं ना, दो रेशनल नंबर के बीच में खूब सारे आप बताना। पहले बताओ 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2 क्या है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। आप बताओ इनके बीच में कोई नंबर होता है क्या 1 और 2 के बीच में? 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर नहीं होता है, पर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है, पर रेशनल नंबर जरूर होता है। देखो 1.5, 1.6 स्केल देखिए आपने, स्केल 1 के बाद में क्या था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 8, 9, 10, 10 आता है तब 2, इसका मतलब इसके बीच में क्या है। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं आप इनके बीच में कितने होंगे 10, 100, ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, दो रेशनल नंबर के बीच में खूब सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, खूब सारे। अपन उनकी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते कितने सारे होते हैं, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में खूब सारे रेशनल नंबर होते हैं। अपन लेते हैं फाइंड 10 रेशनल 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2, 5 and 1/2। आपको इजी मेथड बताऊंगा, ठीक है, मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं बताएंगे। तो आप देखो इनके पहले डिनोमिनेटर देखो 5 और 2 दोनों अलग है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसकी डिनोमिनेटर क्या है 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा
10, ठीक है। 5 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 आया, 10 आएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास में नई फ्रैक्शन है 2 बाई 5, अब नई पुरानी फ्रैक्शन तो 2 बाई 5 है, अब नई वाली जो फ्रैक्शन बनेगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 होगा। तो बताओ 5 से 10 हुआ, 5 कितने टाइम हुआ, 5 टू जा 10, तो ये भी 2 जा होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 टू जा 10, तो ये भी 2 से होगा, तो ये 5 टू जा 10 होता है तो ये भी 2 जा होगा, 2 टू जा 4 माइनस 4 अपॉन 10, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं अच्छी तरीके से लिख लेता हूं, ये था आपके पास माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है, ये डायरेक्ट 10 भाई, मतलब 2 से हुआ, ये भी 2 से होगा, ठीक है। अब ऐसे कैसे इसको भी करते हैं, 1 बाई 2 है हमारे पास डिनोमिनेटर चाहिए 2, तो ये 5 से हुआ, 5 टू जा 10 तो ये भी होगा 5 से, 5 बन जा 5। अब आप बताओ मेरे पास में, अब 5 और माइनस 4 के बीच में कितना 10 हो सकता है, क्या 10 ही पूछा है, तो देखो 4 3 2 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, हमें कितने मिलेंगे, 9 ही मिलेंगे सही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो अपन क्या करें इसमें, हम इस संख्याओं को, अब मुझे क्या मिली, इसको और बड़ा कर दो, जब रेशनल नंबर पूरे नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको बड़ा कर दो, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, आप जो मेरे पास में 4 बाई 10 है उसको मैं 2 से कर लेता हूं, तो आई माइनस 8 अपॉन 10 2 20, ये 5 मल्टीप्लाई 2 और 10 मल्टीप्लाई 2, 10 अपॉन 20, ठीक है। अब हो जाएगी आपके पास में, अब इनके बीच में क्या होगा, पहले आप इसको उतार लें, यहां तक उतार लें। अब हमारे पास में जो रेशनल नंबर बचा है यहां तक आपको उतारना है, यहां तक आपको आया होगा, ठीक है। अब मेरे पास में बचा है 2 रेशनल नंबर, अब मेरे पास है -8/20 और 10/20, ठीक है। तो मैं देखता हूं मेरे रेशनल नंबर पे 10 मिल जाएंगे क्या मेरे को, ये मेरे पास में 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब इन सब के नीचे लिख लो आप, ये हो गया 10/20 और ये हो गया 8/20 -8/20, ठीक है, ये है रेशनल नंबर मेरे पास में। अब इनके बीच में मेरे पास 10 चाहिए, 10 कोई भी आप ले लो, 9 8 7 6 5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे 10 चाहिए, मैं 10 लिख लेता हूं, मैं यहां से लिख देता हूं -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20, यानी इसके बीच में रेशनल नंबर खूब सारे हैं, करोड़ों अरबों, मैं तो उसमें से कुछ ले रहा हूं, यानी इसमें कुछ भी हो सकता है, ये आंसर आपका कभी मैच नहीं होगा, एक व्यक्ति के
अलग अलग आंसर आ सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर खूब सारे हैं, कोई किसी का कुछ भी आ सकता है। जैसे अपन डिजिट देंगे तो 3 6 -1/20 0/20 और फिर हो जाएगा 1/20 2/20। तो ये सारे आपके क्या हो गए, 10 रेशनल नंबर हो गए, ये आपको उतारना है। ठीक है, तो ये होता है आपका मेथड। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दो रेशनल नंबर है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो नंबर एलसीएम वाला है वही नया डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, बना दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मैंने प्रोसेस एक बार और देखना हो ये वीडियो, फिर आपको आराम से समझ में आएगा। तो फटाफट उतार ले आप ये। सभी ने उतार ली होगी, आराम से उतारे। और सभी ने उतार ली होगी। तो बैठते हैं अपने आज के जो होमवर्क के लिए। आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है फिफ्थ, वो आपको होमवर्क में करना है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, एक करना है आपको ये 2/3 एंड 4/5। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर अलग अलग है तो अलग अलग ऐसे इनको एक करेंगे। तो 3 और 5 का आप सबसे पहले लेना एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3 एंड 5, 3 और 5 का हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा एलसीएम 15। अब ये रेशनल नंबर यहाँ लिखना और 3 की जगह बनाना है 15, तो 3 5 15, यानी ये पूरी फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई होगी 5 से, और 5 3 15, ये पूरी फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से। जब ये 5 से होगी तो 5 2 10 ऊपर आ जाएगा 10, और ये होगी 3 से 4 3 12, तो 10 और 12 हो गया। 10 और 12 के बीच में आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, अगर 5 नहीं मिल रहे हैं तो फिर उसी रेशनल नंबर को आप डबल कर दो, यानी पूरी फ्रैक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आपको आराम से इसका आंसर निकाल पाओगे आप। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसी के साथ जो अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर लेंगे। ये मैं आपको इससे आगे वाला एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।